नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती बागवानी के इस नए वीडियो में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला ये खास वीडियो। हम सभी जानते हैं आयुर्वेद में गोमूत्र को एक दिव्य औषधि माना जाता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही रोगों को दूर करने में किया जा रहा है। गोमूत्र से बने अर्क को अगर सुबह शाम दवा के रूप में किया जाए तो त्वचा के रोग, नेत्र रोग, महिलाओं के रोग, किडनी रोग, हृदय रोग, कब्ज आदि जैसी बीमारियां छू भी नहीं सकती हैं। भागती दौड़ती इस जिंदगी में लोग जंक फूड को जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, उसके कारण कई बीमारियां उन्हें दिन पर दिन घेरती जा रही है, जिसे गोमूत्र के सेवन से पूरे शरीर को जहर से मुक्त किया जा सकता है। बता दें कि गोमूत्र पर हो रहा शोध अगर सफल रहा तो बोन मैरो और कैंसर जैसी बीमारियों से काफी राहत मिल सकती है। गोमूत्र की बढ़ती मांग के चलते प्रदेश भर की गौशालाओं में इसे बड़े स्तर पर तैयार किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके तहत प्रदेश भर की करीब 150 गौशालाओं में गोमूत्र का अर्क बड़ी मात्रा में तैयार किया जाएगा। गोमूत्र की खरीदारी में पतंजलि योग समिति ने भी बड़े स्तर पर गौशालाओं से मांग कर ली है। इस तरह हर दिन लाखों लीटर गोमूत्र की मांग अकेले पतंजलि को रहती है। इससे बनने वाले गोमूत्र की स्टोर में 450 ml की कीमत 50 रुपए है। इसके फायदों से कई लोग परिचित हैं, जिसके कारण लोगों में इसकी काफी डिमांड है। अब जान लेते हैं, अगर हमें खुद का व्यवसाय कर गोमूत्र से और अधिक लाभ कमाने के लिए हमें गोमूत्र अर्क बनाना होगा। आइए जानते हैं किस प्रकार बनता है गोमूत्र अर्क। भट्टी पर एक बड़ा मटका गोमूत्र से भरकर रख दिया जाता है। भट्टी के ताप से गर्म होते गोमूत्र को वाष्प के जरिए बाहर निकालने के लिए मटके में एक और छोटा सा सुराग निकालकर पाइप के माध्यम से एक बर्तन में छोड़ दिया जाता है। एक एक बंद बर्तन में जमा होती रहती है, जिसे गौमूत्र कहा जाता है। 7 लीटर गाय के मूत्र में करीब 1 लीटर के आसपास अर्क निकलता है। इसे बोतलों में डालकर बेचा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, और अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए खेती बागवानी.com।